जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु को आप लोग देख सकते हैं। काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसको पॉलिटेक्निक के लिए ब्रांच का चयन तो इस पर बात करने वाले हैं, उसको हार्ड कॉपी के बारे में। अगर आप लोग के पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लें। हार्ड कॉपी और एडमिट कार्ड भी काउंसलिंग के समय में जरूरत पड़ेगी, तो ये भी बातें हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लें। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब यह हो गया कि आप लोग अप्लाई किए होंगे पॉलिटेक्निक के लिए और उसके बाद उसका प्रिंट आउट, ठीक है, अप्लाई करने के बाद एक तरह से अप्लीकेशन का प्रिंट आउट, ठीक है। उसको आगे बात कर लेते हैं काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये जो दो डॉक्यूमेंट देख लिए हैं, हार्ड कॉपी और उसके बाद एडमिट कार्ड, तो इसके अलावा आपको मैट्रिक और इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र अर्थात मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका CLC होना चाहिए और CLC माइग्रेशन जो है, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, लास्ट जहाँ से किए हैं उसका, ये सभी होना चाहिए। लास्ट जहाँ से किए हैं उसका CLC और माइग्रेशन, लास्ट जहाँ से क्वालिफिकेशन है उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बात करें तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी जैसे कि आप जिस कोटी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मेडिकल, आपको एडमिशन टाइम लगने वाला है, तो ये भी बातें हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में लिस्ट अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में संक्षेप में बता दिए हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे आप लोग तो जी बिल्कुल, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और च्वाइस देंगे, कॉलेज का च्वाइस देंगे। कॉलेज का च्वाइस देने के बाद आपको अलॉटमेंट होगा, ऑनलाइन ही अलॉट हो जाएगा। अलॉट होने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लोग को समय दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को ये सभी जो बताए हैं डॉक्यूमेंट, तो इतना तो डॉक्यूमेंट तैयार रखना है आप लोग को और ले जाना है। उसके बाद आपको एक मूल पहचान पत्र में जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इस टाइप का भी होना चाहिए, वोटर आईडी, तो ये सभी भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में सभी जानकारी बता देंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, लिस्ट भी दे देंगे, तो इससे आप लोग को पता चल सकेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपको ब्रांच का चयन, तो ब्रांच का चयन देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में संक्षेप में जान गए हैं, अगले वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं पॉलिटेक्निक के लिए ब्रांच का चयन में देख सकते हैं ब्रांच कौन कौन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS IT, ECE और EEE, तो ये ब्रांच हैं। तो वही बात है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि ब्रांच का चयन, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रांच का चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसको जान लें। तो आप लोग च्वाइस पर डिपेंड करता है, अर्थात आपका च्वाइस क्या है, आप किस ब्रांच को अधिक पसंद करते हैं। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं सिविल, तो सिविल की बात करें तो डिजाइन का मतलब हो गया, अर्थात आपका रुचि डिजाइन में है, ग्राफिक में है। और उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि नक्शा की बात करें तो नक्शा में है यदि, तो ये सभी बातें आते हैं, जैसे कि मकान का नक्शा हो गया, उसके बाद ज़मीन का मैप हो गया, तो ये सभी बातें सिविल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में बात कर लेते हैं कि जैसे मशीनी काम हो गया, तो इसको आप लोग फिजिक्स तो पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में बात कर लेते हैं, इंटर लेवल पर बात कर लेते हैं, तो आप लोग मैकेनिक्स पोर्शन भी पढ़ते होंगे, तो यही सब बात हैं फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, मैकेनिकल का हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल भी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल में आप लोग जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो वही बात है यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो वही आपको पढ़ने हुए, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रथम ईयर में है, उसके बाद आगे पढ़ना है, तो ये सब बातें हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी के बारे में आप लोग, वायरिंग, ये सभी के बारे में जानते भी हैं। उसके बाद CS IT की बात करें तो कंप्यूटर और प्रोग्राम से रिलेटेड है CS, उसके बाद IT भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से ये सभी रिलेटेड हैं।
तो आप लोग को ये सभी जानकारी होंगी, जैसे कि कोडिंग के बारे में हो गया, प्रोग्रामिंग के बारे में हो गया। तो प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि हो गया। तो इसके बारे में अगले वीडियो में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो इस पर बात करेंगे। उसके बाद ईसीई की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन पर बात करेंगे। तो इसमें जैसे हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे, 11 12 की बात करें तो, अर्थात इंटर में आप लोग पढ़े होंगे लॉजिक गेट है, तो यही सब बात है, लॉजिक गेट पढ़े होंगे। उसके बाद सेमी कंडक्टर में पढ़े होंगे, तो यही सब अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जैसे कि पंखा का ठीक करना हो गया, एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं ईईई, तो ट्रिपल ई की बात करें, ट्रिपल ई में यही बात है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं। बिहार के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो दो इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा सभी में ट्रिपल ई ही हैं। तो इसका सिलेबस और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लगभग, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लिए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की हो रही है, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल ई नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो अगले वीडियो में यही बात करेंगे। तो यही सब ब्रांच हैं CSIT, तो IT भी नहीं देखने को मिल सकता है पॉलिटेक्निक की बात करें तो। तो अब आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस से ही हो जाएगा अगर आप लोग को पसंद है, कंप्यूटर में रुचि है, तो यही बात है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। तो अगले वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच हैं इस पर। तो ब्रांच आप लोग यही सब हैं, ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, IT नहीं होगा बिहार में। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रिपल ई की जगह पर इलेक्ट्रिकल रहे या फिर ट्रिपल ई रहे, दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो जो मिले दोनों में से इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई, यदि आपको इलेक्ट्रिकल पसंद है तो। अब आगे देख लेते हैं कि किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने से नौकरी पक्की, तो नौकरी पक्की के लिए अगर बात करें तो आपके चॉइस पर बता दिए हैं, पहले ही डिपेंड करता है, और सभी ब्रांच से जॉब होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी ब्रांच से जॉब होते हैं। लेकिन बात करें कि खासकर यदि आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है अधिक, तो वही बात है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे अधिक सिविल, उसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में है। बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में पॉलिटेक्निक तो सिविल का सबसे अधिक जॉब है, पॉलिटेक्निक से जो पढ़ने वाले के लिए तो सिविल का जॉब है, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी है। और CSIT की बात करें तो इसमें प्राइवेट जॉब अधिक है, तो प्राइवेट जॉब यदि आपको जल्दी करना है तो आप लोग इधर जा सकते हैं CS की ओर, तो कंप्यूटर साइंस की ओर। और कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब है, और कैंपस सिलेक्शन के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको पटना का जो दो कॉलेज हैं तो उसमें यदि आपका एडमिशन होता है तो कैंपस सिलेक्शन का भी चांस बनता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, उसके अलावा मुजफ्फरपुर के भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो भी अच्छे हैं। वैसे तो पॉलिटेक्निक कॉलेज सभी अच्छे ही हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है, सभी कॉलेज अच्छे ही हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़कर सफलता पा सकते हैं यदि मेहनत करते हैं तो इतना ही कहना चाहते हैं। तो किस ब्रांच से नौकरी पक्की, तो आप लोग समझ गए होंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। उसका ECE की बात करें तो इसमें भी प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी थोड़ा कम है। जैसे कि हो गया, इसमें बात करें रेलवे का, रेलवे JEE, तो इसमें बात करें तो इसमें है, उसके बाद ECE का है, इसमें चांस बनता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल, ये सभी अच्छे ब्रांच हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और CS में थोड़ा कम है, प्राइवेट जॉब अधिक हैं। जल्दी जॉब यदि लेना है तो आप लोग इस ओर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप लोग को जल्दी नौकरी चाहिए, प्राइवेट भी चलेगा, तो आप लोग के लिए CS है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, तो आपके लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सही है। सिविल सबसे बेस्ट कहा जाए इसमें, क्योंकि इसमें बिहार में अभी के अनुसार, वैसे भविष्य में क्या होगा तो भविष्य पर डिपेंड करता है, हो सकता है CS में भी कंप्यूटर युग आए और इसमें अधिक से अधिक नौकरी, सरकारी नौकरी भी मिलने लगे, तो ये सभी भविष्य पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी के अनुसार बात कर रहे हैं, वर्तमान के अनुसार, तो वर्तमान में सिविल में अधिक जॉब है, जूनियर इंजीनियर में।
बिहार में, ठीक है। उसको आगे देख लेते हैं, तो देख लिए हैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की भी बात कर लिए हैं, चॉइस की भी बात कर लिए हैं। आपका चॉइस पर डिपेंड करता है आप किस में रुचि लेते हैं, किस ब्रांच में। उसको आगे बात कर लेते हैं कि कॉलेज, तो कॉलेज पर भी डिपेंड करता है आप टॉप कॉलेज को पसंद करते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो टॉप कॉलेज में कोई ब्रांच हुआ तो उसमें ले लिए एडमिशन, तो ये भी बात है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन कॉलेज में एक साल के बाद भी, आप लोग पता कर लीजिएगा, प्रावधान होता है कई कॉलेज में, तो आपको पता कर लेना है एडमिशन से पहले कि ब्रांच चेंज का ऑप्शन एक साल में यदि अच्छा स्कोर करते हैं तो ब्रांच चेंज हो जाता है। तो ये भी बातें हैं। तो आपका रैंक सही नहीं है तो कोई ब्रांच ले लेता है टॉप कॉलेज में, उसके बाद में चेंज हो जाता है यदि आपका अच्छा अंक आता है तो हो जाता है। तो ये भी बातें हैं। तो इसके लिए अच्छे अंक लाने होते हैं सेमेस्टर में, ठीक है। उसको बात करते हैं टॉप फाइव ब्रांच की। तो टॉप फाइव ब्रांच में है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT, उसके बाद EC और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लोग इलेक्ट्रिकल की तरह बिहार में समझ सकते हैं जो मिले। कुछ कॉलेज में आपको ये मिलेंगे तो कुछ कॉलेज में ये मिलेंगे, तो इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस रहता है, ठीक है। तो यही टॉप फाइव ब्रांच हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो यही सभी बातें हैं। तो टॉप फाइव ब्रांच के अनुसार भी लोग चयन करते हैं। तो बिहार में बात करें तो सिविल प्रथम स्थान पर है, मैकेनिकल की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं सरकारी नौकरी के अनुसार बात कर रहे हैं, वैसे प्राइवेट के अनुसार बात करें तो CSIT प्रथम पर है,